सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ये हरे लाल पीले काले रंग मायने नहीं रखते दोस्तों, जब तक इंसान के दिल का रंग साफ ना हो। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो ये दुनिया सारी। यह रंग ना जाने कोई जात पात ना कोई बोली, आप सभी को मुबारक हो खुशियाँ और रंगों भरी होली। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको ये होली का त्योहार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पंचांग 25 मार्च 2024 दिन सोमवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष के पूर्णिमा तिथि दोपहर 12:30 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 6:36 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:00 से 9:31 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:08 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च सोमवार को यानी आज सुबह 10:30 से शुरू होगा और समापन दोपहर 3:02 पर होगा। हालांकि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4:36 की होगी। यह चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण पर होली का संयोग भी बनेगा और यह चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लगेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से 9 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस चंद्र ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिस कारण से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साथ ही इसका प्रभाव भी होली के त्योहारों पर नहीं होगा। तुला राशि 25 मार्च 2024 दिन सोमवार, कानूनी मुद्दे आज आपको परेशान कर रही है जिसमें शायद चोट या दुर्घटना शामिल है। कड़ी मेहनत करें और अपने आसपास के विवादों को नजरअंदाज करें। आपके शत्रु आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं, किंतु सकारात्मक रहे सक्रिय रहना आपकी लंबे समय तक मदद करेगा। अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होने और कड़ी मेहनत करने के लिए समय शुभ है। आज आप जीवन के मार्ग को तलाशना चाहते हैं। आप आज अपने रोजाना कार्यों में से कुछ फुर्सत के पल खुद के लिए निकालेंगे। जीवन में दो लोग असफल होते हैं, जो करते हैं पर सोचते नहीं और जो सोचते हैं पर कुछ करते नहीं। वित्तीय लाभ की सूचना से आपको और आपके परिजनों को खुशी होगी। इससे ये भावना आएगी कि सब अच्छा हो रहा है। आप खुश मिजाज और आकर्षक हैं। नए लोगों से मिले इससे आपको नए अवसर मिलेंगे जो अनंतता आपके लिए फायदे का सौदा साबित होंगे। आप परिवार या घर की बनावट में कोई बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। आपका आकर्षक बर्ताव दुष्टों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। आज आपको अपना धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर का कोई बड़ा आज आपको धन दे सकता है। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन है। आज आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। ज्यादा चिंता न करें, हर चीज समय के साथ बदलती है और इसीलिए आपके रोमांटिक जिंदगी में भी बदलाव आएगा। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। रिश्तेदारों के चलते जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए आज किसी पार्क या जिम में आप जा सकती हैं, जिसे आपको अच्छा लगेगा। विद्यार्थी बाकी कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय निकालें। आप किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकती हैं। आपको किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। आप किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं। जीवन साथी से यदि आप कोई बात गुप्त रखेंगे तो बाद में वह लड़ाई झगड़े की वजह बन सकती है। आपकी संतान आपकी दी गई जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेगी। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर का प्लान बन सकता है। आपसी मेल मुलाकात से खुशी मिलेगी और खर्चों की अधिकता का भी दुख नहीं होगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को आज खुशखबरी मिलने की संभावना है।
पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव से बेचैनी और चिड़चिड़ापन हो सकता है। आपकी अधिकतर बातों पर नियंत्रण प्राप्त करना आपके लिए संभव है, लेकिन बिगड़ती हुई मानसिक अस्वस्थता के कारण गलत निर्णय लिए जाते हैं। ये समझने की जरूरत है, अपनी मानसिक अवस्था ठीक करने के लिए कोशिश करते रहें। जीवन से जुड़ी हर एक बात को सुधारना संभव होगा। काम की गति अपेक्षा के अनुसार रहेगी, लेकिन कौन से जिम्मेदारी आप स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को ठीक से जांच लें। पार्टनर और रिलेशनशिप से जुड़ी जिम्मेदारियों से दूर न भागे। एसिडिटी के कारण उल्टी और अपचय की समस्या हो सकती है। सावधानियां: दोस्तों के साथ व्यर्थ की मौज मस्ती की वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य बीच में ही रह जाएंगे। पारिवारिक व्यवस्था पर ध्यान न देने की वजह से परिवार जनों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके सितारे बता रहे हैं कि किराएदारों या अपने अधीनस्थ लोगों से मेल जोल बढ़ाने के लिए यह समय उपयुक्त है। अगर रिश्ता नया है तो इस राह पर धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। ऐसा करने से आप जल्द और अच्छे से एक दूसरे को जान पाएंगे। दुश्मनों से विवाद होने की भी आशंका है। अब समय है गंभीर होकर आपके रोमांटिक जीवन के बारे में सोचने और उस पर अमल करने का। अपने व्यस्त रोजाना जीवन से छुट्टी लेकर आराम करें। यह समय आप अपने साथी के साथ भी बिताएं, ताकि आप दोनों प्यार की गर्मी से अपने बीच के मतभेद को भुला सकें। आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। बाहर जाएं और अपने प्रिय के साथ कुछ साहसिक करने की योजना बनाएं। आप जो कुछ भी करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। इससे आप और आपका पार्टनर के बीच चल रही तनाव में कुछ कमी आने की उम्मीदें हैं। आपको अपने नए अनुभवों और भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ बांटना अच्छा लगेगा। बात करते हैं करियर की। आपको इस बात का आभास नहीं है कि आपके सहकर्मियों को कितनी चिंताओं और तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अपने समय को जांचने की बजाय उनकी चिंता को समझना आपके लिए आज ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप फिर भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कड़ाई से सबक मिल सकता है। आपको एक नए घर का स्वामित्व भी मिल सकता है। समय के साथ साथ आपकी सोच बेहतर होती जा रही है। आपके लगातार प्रयास आपको न केवल नौकरी में उन्नति दिलाएंगी, बल्कि अपनी मेहनत का भी पूरा फल भी मिलेगा। दुश्मन और विवादों से आपका पाला पड़ता रहेगा, लेकिन आपकी मजबूत इरादे आपको आपके लक्ष्य पूरा करने में मदद करेंगी। यह समय अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर होने और योजनाएं बनाने का है। आपको कुछ समय अकेले बिताने की सलाह दी जाती है। भावुक होने से बचें, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने फैसलों के माध्यम से व्यक्त करें। सपने देखें और उन्हें पूरा करने से पीछे न हटें। कार्य क्षेत्र में किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर असमंजस्य रहेगा। फैसले लेने में भी असहज महसूस करेंगी, इसीलिए कोई भी काम करने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें। नौकरी पेशे लोगों के लिए ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो। बात करते हैं सेहत की। बासी वाली चीजों का सेवन ना करें, इनकी वजह से पेट में दर्द आदि की समस्या रह सकती है। आपको आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी भी तकलीफें हो सकती है, लेकिन कुछ सावधानी रखने से आप आसानी से उनसे बच जाएंगे। जंक फूड भी ना खाएं, क्योंकि उनसे पेट दर्द हो सकता है। आपको यह समझने की भी बहुत जरूरत है कि आपके जीवन में तनाव का कारण आपकी काम नहीं बल्कि आपका खाना है। आज एक हेल्थ क्लास ज्वाइन कर लें, इससे आपको लंबे समय तक के लिए फायदा होगा। सेहत का ख्याल भी रखें। आज का उपाय: आज अब घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गुलाल छिड़कें और घर के द्वार पर दो मुखी दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।